वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मेरी मंग्स लाइफ स्टाइल में। और आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से हो। और अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और ये भी चले गए हैं मेरे हस्बैंड, इनको ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना दिया है। और अभी टीटो उठने वाला है, उसे भी खिलाऊँगी, उसे भी अभी ब्रश कराऊँगी, मतलब उसके सारे काम अभी बचे हैं। तो चलिए देखते हैं। और आज मैं एक रेसिपी बनाऊँगी, थोड़ा डिफरेंट है, मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो चलिए, और हाँ प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और उसके साइड में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो है आप लोगों को मिलती रहेगी उसकी नोटिफिकेशन, इसी वजह से आप लोग उसको क्लिक कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम आया है वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, और जो पहले से किया है वो सिर्फ लाइक और कमेंट करो। तो चलिए चलिए। तो गाइस, यहाँ मैंने 4 अंडे लिए हैं और ये मैं स्टीम वाली रेसिपी बनाऊंगी अंडे की। और यहाँ मेरे जो 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 मुझे लगेगा वो है, ये अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है, और ये 1-2 मीडियम साइज़ के टमाटर है थोड़े छोटे, और ये प्याज है 1 मीडियम साइज़ का, और इसको मैंने कट कर लिया है स्लाइस में। और यहाँ पे ये मेरे मसाले, ये हींग है, ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये हल्दी, और इस स्वाद के अनुसार नमक, और ये खड़े मसाले हैं कुछ, 2 लौंग, 2 इलायची, और काली मिर्च जो गोल मिर्च बोलते हैं बंगला में, और ये रेड मिर्च है जो तीखी वाली, और ये धनिया, और ये तेज पत्ता। अब इनको मैं, ये मैं धनिया डालूँगी अंडे पे, जो मैं अंडे को गार्निश करूँगी थोड़े ऊपर से। मैं अंडे को सब मिक्स कर लेती हूँ, ले लेती हूँ पहले फोड़ के, उसके बाद मैं उस पर नमक, हल्दी और मिर्च डालूँगी, और उस पर धनिया थोड़ा सा ऊपर से, और जो मैं सूखी लाल मिर्च है रखी हुई है थोड़ी सी, उसे भी डालूँ, जो चिली फ्लेक्स कहते हैं उसे भी डालूँगी। उसके बाद हम अंडों को सबको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैं धनिया डाल रही हूँ अभी फिलहाल, और मेरा अभी अंडों को मिक्स करना है। देखिए मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि जो भी इसके पार्ट्स है वो अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो जाए। अब इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे। मैं 3 कटोरी ली हूँ, देखिए उसमें ऑयल लगा ले रही हूँ ताकि वो चिपके ना अंडे, और स्टीम के थ्रू वो बाहर आ जाए अपने आप, जैसे हम केक बनाते हैं उस हिसाब से हमें करना है। ये देखिए, अब इसको मैं राइस कुकर में मैं इसे स्टीम करूँगी, क्योंकि वो मुझे बेस्ट लगता है करने में, कुछ होता भी नहीं है उसमें। राइस कुकर का जो सिस्टम है, अंदर में मैंने एक पैन जैसा बैठा है, जो भी राइस कुकर जिसमें बनाते राइस, उसमें मैंने पानी डाला है, और उसके ऊपर मैंने ये मोमोज के बर्तन रख दिए। अब इसमें मैं ये रख के, अंडों को रख के अब मैं ढक दूँगी, अब ये स्टीम होगा। अब मैं मसाले करूँगी। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा साफ़ कर ले रही हूँ अपने मिक्सी को, क्योंकि थोड़ा गंदा हो गया था। और मैं इस सिलबट्टे में अपने मसाले बनाऊँगी, जो मैं अंडों में डालूँगी, जो सिलबट्टे का स्वाद है वो किसी में नहीं। और ये मेरी राइस बन चुकी है, ये देखिए अभी बनी है। ये दाल मैंने बना के रख लिया था, और ये सुबह मैंने चना मसाला बनाया था, उसकी रेसिपी मैं कभी और दिखाऊँगी। और अभी ये कितना यम्मी दिख रहा है देखिए। और अभी मेरे अंडे लगभग होने वाले हैं, देखिए स्टीम भी हो रहे हैं, ये निकलने लग गए साइड से, वो देखिए एक तो निकल ही गया है। अब इसे इसके एक चम्मच के या टूथ पिक के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अब मैं कढ़ाई में तेल लेके, तो मैं इसमें तेज पत्ता डाली, जीरा डालूँगी, उसके बाद मैंने उनको क्रैक होने दीजिए, उसके बाद मैं वो प्याज डालूँगी। पहले तो प्याज ही डालना है, क्योंकि प्याज को थोड़ा सॉफ्ट करना होता है इसीलिए। तो ये प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी, उसके बाद मैं बाकी चीज़ डालूँगी, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाई स्टेप डालूँगी। अब मैं यहाँ पर जब तक मेरी प्याज होने हो रही है सॉफ्ट, तब तक मैं इसे निकाल ली हूँ। ये देखिए यह भी केक जैसा दिख रहा है, इडली भी दिख रहा है एक तरफ से। और अब मैं यहाँ पर पेस्ट डाल दूँगी, पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके फिर मसाले डालूँगी धीरे धीरे। अभी देखिए ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी, जो प्याज लहसुन का, जो लहसुन अदरक का जो स्मेल होता है ये तीनों का, वो थोड़ा सा अच्छे से पहले भून लूँगी,
अब इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ जितने भी मैंने लिए थे, सब एक एक करके। और नमक अपने हिसाब से ले लीजिएगा, थोड़ा तो स्वाद के हिसाब से, मतलब जिसको कम खाना होगा अपने हिसाब से नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल दी हूँ, ये देखिए, उसमें हल्के से पानी डाल के ताकि मसाले ना जले और अच्छे से फ्राई भी हो जाए, टमाटर सॉफ्ट भी हो जाए। अब इसे थोड़ी देर ढक देंगे, 5 मिनट तक हम मसाले पीस लेते हैं। इसमें मैं जीरा ली हूँ, मैं ऑलमोस्ट जीरा भूंज के लेती हूँ, बट मैं यहाँ पर अभी टाइम नियम मैं थोड़ा सा ऐसी कर ले रही हूँ, मतलब कच्चे ही ले रही हूँ। और इसमें मैंने 2 इलायची डाला है, 2 लौंग और 2 काली मिर्च डाली, क्योंकि काली मिर्च ज़्यादा नहीं डाल सकती, मेरे बेटे को फिर तीखी लग जाएगी, इसीलिए मैं कम ली हूँ। मैं आजकल थोड़ा कम ही लेती हूँ, क्योंकि 3 लोगों की सब्ज़ी में ज़्यादा लेके कोई मतलब नहीं है, तीखी ज़्यादा लगती है और इसके पापा भी, टीटो के पापा भी खाना नहीं चाहते। तो अब मैं इसको, जो मसाले मैंने भून लिया था, मैं अंडे को डाल दूँगी ताकि अंडे में मसाले अच्छे से चले जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमें दिख रहा है कितना, और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगता है, दिखने में भी जितना टेस्टी है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और मैं अब इसे पानी डाल के अब इसे थोड़ा सा उबाल आने दूंगी, ताकि जब तक ये रेसिपी, मतलब तरी, जो तरी हम बना रहे हैं उसमें जब तक उबाल आए तब तक वो स्वाद नहीं बढ़ता। इसको अच्छे से हम पकने देंगे और गाइस, मेरी रेसिपी आज की बन चुकी है, आप लोगों को दिखा दी है मैंने। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और आप लोग भी ट्राई करना, अच्छी लगती है। जो नॉनवेज खाता है वो उनके लिए है, और जो नहीं खाता है वो मतलब बेसन के भी ऐसे बना सकते हैं, वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अच्छे अच्छे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, आप बेल आइकन को भी क्लिक करना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोग मिलते रहे। और अभी मेरे कपड़े धुल गए हैं, तो मैं उसे धूप में सुखाने जा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय।